बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इंशाल्लाह अचार गोश्त बनाना सिखाती हूँ। और किससे मुझे कमेंट में बताया था, एक दफ़ा फिर रेसिपी बना अचार गोश्त की हमें ज़रूर भेजो। इंशाल्लाह मैं किसी की ख्वाहिश पूरी दोबारा फिर कर रही हूँ। और इंशाल्लाह मैं पहली दफ़ा बनाया, किसी को पसंद आया, इंशाल्लाह हम फिर दोबारा इंशाल्लाह ज़रूर मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप मुझे कमेंट में बताया करें और इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर रेसिपी भेज करूँगी दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बेशक थोड़ा ही डालना, वो दही में भी निकल आता है ना घी। अब मैं ये प्याज ब्राउन को निकालने लगी। ये देखो, तीन पा मुर्गी का गोश्त। ये मैं अब जो मैंने प्याज ब्राउन को निकाला, ये इसमें मैंने तलने लगी, उसको फ्राई कर रही हूँ लहसुन और अदरक में। ये देखो, ये देखो एक एक चम्मच लहसुन और अदरक का थोड़ा सा। एक डेढ़ पौधे ये डाल दें, ये प्याज जो मैंने ब्राउन की है अभी ये डाल रहे हैं। अचार ये मैंने सारे डाल दी, इसके साथ में बहुत अच्छी था। मैं मसाला डाल का वो थोड़ी सी मेरे से वो मैं थोड़ी सी कम डालूँगी। अब ये मुर्गी बहुत अच्छी फ्राई हो गई है लहसुन और अदरक में। अब मैं ये डालने लगी, ये देखो थोड़ा सा पानी डालने लगी। ये देखो सौंफ, कुटी साबुत धनिया और कलौंजी, ये मेथी दाना, नहीं भी याद आता कोई बात नहीं, ये अब मैं डाल रही हूँ। कुटा हुआ मसाला, गर्म मसाला, ये मैं डाल रही हूँ।
ये कुटी हुई मिर्च डाली, ज़रा थोड़ी सी ना चटपटी सी बन गई मज़ेदार। इतनी सी ये मैंने अभी वो नमक नहीं डाला, नमक वो मसाले में भी होता है और फिर उसको बाद में फिर ज़्यादा थोड़ा जब चख के फिर डालना नमक। ये देखो इतना हाफ स्पून, ये अब मुर्गी इसमें बिल्कुल तैयार हो जाएगी, गल जाएगी। हल्दी अपनी मर्जी से डालनी डालो, नहीं डालनी नहीं डालो, लेकिन जो जो चार गोश्त होता है ना इसमें हल्दी नहीं डालते, वो रंगत नहीं आती, जो कलर होता है ना वो अपना ही कलर निकलता है। ये देखो कितना अच्छा कलर आ गया। ये डंडियों वाली मिर्ची, छोटी वाली हरी मिर्ची ये डाल रही हूँ, इसका तो बहुत ही अच्छा है ना, वैसे ही डाल दी। सीधा सीधा नहीं मैं कवर कर रही, अब ये 10-15 मिनट थोड़ा सा गल जाएगी। खैर बन रही हूँ, अब ये देख रही हूँ ये तो ये देख बहुत अच्छी बन गई। हमारा चार गोश्त बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखो मैंने थोड़ा सा घी डाला था, अब कितना ज़्यादा हो गया। मेरा अचार गोश्त बिल्कुल तैयार हो गया है, देखो कितना मज़ेदार। और किसने मुझे कमर में मुझे कहा है, मुझे बहुत खुशी हुई है बहुत ज़्यादा। और मुझे कमर में ज़रूर बताइए और इंशाल्लाह आपकी खिदमत में ज़रूर हाज़िर होंगी। इंशाल्लाह आप जो भी मुझे कहेगा वो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी, और बहुत मुझे बहुत खुशी होती है जो मुझे कमर में ये ऐसे कहते हैं।